अच्छा ये ढाई हेड्स कोड़े है तो इसके स्टेयरिंग का मसला, स्टेयरिंग फ्री हो गया, बिल्कुल कटाई नहीं करता था। अब इसके बाद भी आप सुन लें, ये इसका स्टेयरिंग की अंदर स्टेयरिंग असेंबली की कंघी होती है, कंघी फ्री हो गई है, स्टेयरिंग कटाई नहीं करता। अभी हम इसे खोलेंगे अपने वर्कशॉप में, तो खोल के आपको दिखाएंगे इस गाड़ी का स्टेयरिंग असेंबली क्यों फ्री हो गया था, गाड़ी वालों ने काम नहीं कराया जिससे इनका इतना नुकसान हो गया, स्टेयरिंग फ्री हो गया। तो ये आप लोग एहतियात करें ताकि अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग फ्री होने से, स्टेयरिंग ख़राब होने से पहले अपनी गाड़ी का काम करें ताकि इतने बड़े मसले से आप बच सकें। ये देखें स्टेयरिंग असम्बली, अभी ये बिल्कुल कटाई कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कटाई, लेकिन जब इसके ऊपर नीचे गाड़ी होती है ज़मीन पर, तो इस गाड़ी के ऊपर जब कंघी के स्टेयरिंग असम्बली कटाई के ऊपर जब आती है बैरिंग के, तो बिल्कुल फ्री हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कंघी सी होती है, कट के होते हैं किस्म के, तो वो कट बिल्कुल स्लिप हो गया। स्टेयरिंग असम्बली खोलेंगे और इसके चिमटे जो से थे वो भी गलत हो चुके थे स्टेयरिंग असम्बली से, तो हम इसे खोलेंगे, खोलने के बाद आपको दिखाएंगे। ये स्टेयरिंग असम्बली है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, इसके अंदर ये कंघी होती है, इसके अंदर कंघी ख़राब हो गई थी, रॉड किस्म का होता है वो गलत हो गई है, नई स्टेयरिंग असम्बली है अपने, अब नई स्टेयरिंग असम्बली डालेंगे, क्योंकि इसके जब फ्री हो जाए वो ख़त्म हो जाती है, तो उस पर फजूल खर्चा या वो करने से, इतना बड़ा काम करने से आप काबिली स्टेयरिंग असम्बली लें और फिक्स करें, बस अपनी गाड़ी में रिस्टोर करें और चलाएँ। अभी हम इस गाड़ी में काबिली असम्बली है वो डालेंगे, तो आपको दिखाएंगे गाड़ी में स्टेयरिंग असम्बली डालने से गाड़ी का कितना पावर होता है। तो ये इस गाड़ी का क्लच का मसला बन गया था, क्योंकि स्टेयरिंग फ्री हुआ और ये भी साथ टूट गया था, ये इसका टूटा था, ये अपने हमने देसी जुगाड़ लगाया है, देसी जुगाड़ से क्लच का ऊपर से पैडल बनाया था, तो अभी हम ये भी फिट करेंगे, फिटिंग के बाद आपको दिखाएँगे किस तरीके से गाड़ी का क्लच गलत हो जाए तो आपने क्या क्या करना होता है, या क्या चीज़ आप करेंगे तो आपका गाड़ी का क्लच ठीक हो जाएगा। अभी हम अंदर आ गए, आप भी आपको दिखाएंगे गाड़ी का क्लच फिटिंग करेंगे, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, एक काबला होता है, वो अभी हम दिखाएंगे आपको। तो ये गाड़ी देखें आप, बिल्कुल इससे चिमटे से चिमटे भी नहीं डाल के हैं, स्टेयरिंग असम्बली भी नहीं डल गई है, तो सबसे सस्पेंशन का मेन काम होता है स्टेयरिंग असम्बली और चिमटे का, बस स्टेयरिंग असम्बली और चिमटे सही से डाल जाएँ अच्छी किस्म के, तो गाड़ी का बिल्कुल सस्पेंशन का काम तो बिल्कुल ओके हो जाता है। मेन चीज़ ये दो पॉइंट होते हैं, बाकी जिसके छक्के बुश थे वो भी नॉर्मल थे, प्ले थी हल्की मैंने चेंज कर दी है। अभी गाड़ी का देखें बिल्कुल नीचे से सस्पेंशन का काम बिल्कुल लोके हो गया, अब इसकी अलाइनमेंट आउट है, ये अभी इसके अलाइनमेंट आउट हो जाए तो गाड़ी के टायर घसने लग जाती है, जिसके जिस तरह से इस गाड़ी के टायर पहले भी घसे हुए थे, अलाइनमेंट आउट थी, और इसके बाद अभी अलाइनमेंट अभी इस कराएँगे और गाड़ी ओके हो जाएगी। गाड़ी अभी बिल्कुल ओके हो गया, नीचे उतारने के बाद ट्राई लगाएँगे वो भी दिखाएँगे किस तरीके से गाड़ी की बिल्कुल क्लीन हो गया, मुकम्मल हो गया, ओके हो गया है जी। अभी ये ट्राई लगाते हैं, मजीद आपको दिखाएंगे गाड़ी का। गाड़ी के व्हील के नट लाजमी टाइट करने चाहिए, व्हीलों के नट को ऐसे लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए, तो गाड़ी के व्हीलों के नट टाइट करेंगे आपको दिखाएंगे। ये स्टेयरिंग की कटाई इतनी होती है, एक साइड से भी कटाई है इतनी, दूसरी साइड से कटाई होनी चाहिए। इस गाड़ी का पहले एक तरफ से ज़्यादा कटाई का मसला था, दूसरी तरफ कम था, स्टेयरिंग कटाई दोनों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। ये देखें कटाई कौन से होते हैं,
बैल जॉइंट जो होते हैं उनमें होते हैं। ये इसके गेयर लीवर के बुशों का भी मसला था, गेयर रवास गेयर जो होते थे वो बहुत मुश्किल से लगते हैं, उनके बुश डालेंगे और ये गाड़ी बिल्कुल गेयरों के प्ले ख़त्म हो जाएगी। शुक्रिया।